पूर्णिमा गंगा स्नान अव्यवस्थाओं के बीच हुआ संपन्न। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पुरोहितों को किया गया दान पुण्य और मंदिरों में मत्था टेका गया। 8 दिन चलेगा गंगा महोत्सव। कुंभ जैसी सुविधाओं की बात करने वाला नगर पंचायत के दावे फेल। साफ सफाई व लाइट की रही कमी, गलियों में भरा रहा कीचड़। जी हाँ, रायबरेली जनपद के डलबाऊ के ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने पुरोहितों को दान पुण्य किया व मान्यताएं मांगी। मंदिरों में मत्था भी टेका। 8 दिन तक चलने वाला गंगा महोत्सव में अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। पूर्व में बड़े बड़े कुंभ जैसी सुविधाओं के दावे करने वाला नगर पंचायत डलबाऊ इस बार जनता को सुविधा देने में असफल रहा। जहां एक तरफ लाखों से ज्यादा भीड़ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इतनी भीड़ एकत्र नहीं हो सकी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं जनपद की महिला पुलिस टीम व एंटी रोमियो टीम श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगातार सतर्कता के साथ दिखाई दी। सबसे बड़ी बात सामने आई कि हर वर्ष जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक गंगा आरती में सम्मिलित होकर मेले का शुभारंभ करते हैं व इस बार डीएम व एसपी की लापरवाही सामने दिखी। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि डलमाऊ के गंगा घाट में लगने वाला ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला अव्यवस्थाओं के बीच दिखाई पड़ा, जबकि इससे पूर्व नगर पंचायत ने कुंभ जैसी जनता को सुविधाएं देने की बात कही थी। लेकिन मेला व्यापारियों ने सर्वप्रथम जानवर व्यापारियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। वहीं उसके बाद मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं भी अव्यवस्थाओं के बीच रहे। गलियों में लाइटों व पानी की कमी रही। वहीं कुछ भीड़ भाड़ में मेले की गलियों में पानी का जलभराव दिखाई पड़ा। यही नाविकों को गंगा में नाव चलाने से रोका गया, लेकिन सिस्टम बाजों की नाव फटाटे भरती रही। वहीं दूर दूर से आए दुकानदारों से जमकर वसूली भी की गई। वहीं दुकानदार सुविधाओं से वंचित रहे। नगर पंचायत होल्डिंग जमकर पैसा बर्बाद करते हुए खूब वाहवाही लूटी। पशु मेले में व्यापारियों को लाइट पानी व छत की व्यवस्था भी नगर पंचायत मुहैया नहीं करा सका, जिसके चलते अव्यवस्थाओं पर नवांगर डीएम ने होने वाली बैठक में ईओ को फटकार भी लगाई। फिर भी मेला अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। डलमऊ के ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में उसे चल रही नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दी। नमामि गंगे योजना की लापरवाही के चलते हाल ही में कराए गए कार्य अभी से ध्वस्त होते दिखाई दिए। वहीं गंगा स्नान के मुख्य मार्ग पर सीढ़ियां तक भी बनाने में लापरवाही बरती गई है। वहीं स्थानीय पुरोहितों की माने तो नमामि गंगे योजना में घोर लापरवाही बरती जा रही है। घटिया सामग्री के चलते कराए का निर्माण अभी से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि मुख्य गंगा आरती के आसपास का स्थल भी अभी तक सीढ़ियों से वंचित रहा। क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। आज ये कौन सा तट है जहाँ लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं? आज ये कार्तिक पूर्णिमा मेला है। मैं दीप पुरोहित गंगा सभा अध्यक्ष दिलीप मिश्रा उद्दीप पंडा। मैं यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के मेले में स्नान करने आए हुए हैं। ये 24 घंटे का मेला होता है। इसकी सारी व्यवस्था नगर पंचायत और प्रशासन द्वारा की जाती है। कुछ व्यवस्था हमारे माननीय नवाब बेंगे द्वारा यहाँ का कुछ नुकसान पहुँचाया गया है, जैसे कुछ घाटों में भी सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई है। हम लोग इससे बहुत दुखी हैं कि जिन घाटों में सीढ़ियाँ बना दी गई उन घाटों के लोग तो संपन्न हैं, मगर हम जिन घाटों में सीढ़ियाँ नहीं बनी है वो घाटों के लोग अभी तक बहुत परेशान हैं। यहाँ पर दसियों तीर्थ पुरोहितों के घाट बंद कर दिए गए हैं। दीवार खड़ी कर दी गई है सीढ़ियों के आगे, सीढ़ी न बनने के वजह से दीवार खड़ी कर दी गई, इसलिए उन तीन पुरोहितों की भी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया गया नमामि गंगे द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हो सके जिन घाटों में सीढ़ियाँ नहीं बनी है, प्लेटफार्म बना दिया गया है, उन पर प्लेटफार्म की वजह सीढ़ियाँ भी बनवा दी जाए, जिससे तीर्थ पुरोहित समाज भुखमरी के कगार से बच सके, यही हमारा निवेदन है। पुनः मैं एक बार तीर्थ पुरोहित गंगा सभा अध्यक्ष होने के नाते समस्त तीर्थ पुरोहित गंगा सभा की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के कानों में पहुँचेगी तो हमारा निवारण जरूर होगा। मैं ये अनुरोध आपसे भी करता हूँ। जय माँ गंगे।